हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो वीडियो है वो इवनिंग से स्टार्ट किया गया है, तो हम बनाने जा रहे हैं छत पे खाना, और वो भी चूल्हे पे। तो बहुत लोगों को ये लगेगा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किलों से चूल्हा बनवाया गया था, मतलब मंगवाया गया, और फिर उस पर खाना बनाना, मतलब एक वो चीज़ होती है ना, बड़ी शौक लगी है इस समय चूल्हे पे खाना। और हमें सच बताएं तो हमें खाना बनाना अच्छा भी लगता है। मतलब वही चीज़ है ना कि बिल्कुल गांव की जो परंपरा है वो हम अपने घर से तो कभी नहीं जाने देंगे, क्योंकि जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे। तो बस इसी बात को दिमाग में रखते हुए, मतलब ये सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। तो सच बताएं, बिल्कुल मतलब झूठ कोई भी नहीं है, दिखावा नहीं करते यहाँ पे। और वैसे पूरे व्लॉग में या कभी रोज़ का जो भी हम वीडियो डालते हैं, तो उसमें कोई भी दिखावटी चीज़ हम नहीं डालते हैं, जो भी डालते हैं हकीकत वाला डालते हैं। तो चूल्हे पे खाना बनाना, मतलब ये सारी चीज़ें जो जैसे हम लोगों के पुराने ज़माने वाली थी, वो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, तो उनको हम कभी अलग नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम आए हैं छत पे, शाम को 4:30 का टाइम हो रहा था, क्योंकि सब्जी वब्जी काटी तो 4 बजे काटे थे, बनाना स्टार्ट हुआ 4:30 पे। तो ये आलू टमाटर और मटर की सब्जी बनने जा रही थी, तो ये चूल्हे पे छत पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले सरसों का तेल डाला, जैसे प्रोसेस वही है अपना, जैसे हम लोग बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे। लेकिन ये इसमें पता क्या चेंज हो जाता है, इसमें धीमी धीमी आंच पे बनता है खाना, और इससे इसकी जो खुशबू है, जब सब्जी मसाले को भूनेंगे तो यहीं पर इसका टेस्ट जो है एकदम बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तो आज जो है, अभी हमने खाया नहीं है, लेकिन जब बनाए थे तो बहुत अच्छी महक आई थी, एकदम अलग सी, क्योंकि कुकर में उबल सी जाती है सब्जी ना। और यहाँ पर लोग सोना को जबरदस्ती बैठा ला था पढ़ाने के लिए, आकाश है, बिटिया लेटी है, तो बातों बातों में सब्जी हमारी बन गई थी। बाकी बनाने में समय बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो उसमें तो क्या, इसमें कुछ नहीं है। और देखिए सब्जी बहुत अच्छी लग रही थी, अभी यहाँ पे गरम गरम है तो थोड़ी सी पतली है, और रखी भी है क्योंकि आलू की सब्जी थोड़ा सा अभी जब ठंडी होगी तो थोड़ा सा जम जाएगी, तो ये तब तक मात्रा जो है इसकी सही रहेगी। और फिर बनाएंगे चावल और रोटी। तो रोटी आज पहली बार, मतलब लखीमपुर में तो हम पहली बार बनाने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा बड़ा ऐसा लगता है कि यार पता नहीं किसे बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, लेकिन बड़ी खुशी बहुत रही हमको और सोना को तो हमसे भी ज़्यादा, कि मम्मा चलो छत पे बनाते हैं खाना। बाकी दौड़ना बहुत हो जाता है यार छत पे, क्योंकि एक एक सामान लेके आओ तो बहुत ज़्यादा कठिन काम लगता है ये। और फिर उसके बाद में सबसे बहुत स्पेशल ये ट्रिक जो है, जो स्मोकी लुक जो देता है ना, टेस्ट जो आता है, यहाँ पे लुक नहीं बोलते, यहाँ पे टेस्ट बोलेंगे, तो ये चीज़ तो बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पे हम सब्जी में लगा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, छौंक लगा रहे हैं, पता नहीं क्या। हाँ, तो ये लगाते हैं, ये घर पे मम्मी में लगाती है ना, तो ये इसकी जो खुशबू जो आती है हमें बहुत अच्छी लगती है। तो अब यहाँ पे डाल दिए हैं चावल, तो चावल बन रहे हैं, तब तक आटा ले आएंगे, आटा सानेंगे। और चावल भी फदक गए हैं, तो इनको किनारे साइड में चूल्हे पे थोड़ी सी आग रख दी है, क्योंकि ऊपर रखते ही लकड़ी निकाल ली थी, लेकिन ऊपर रखते तब तक पकेंगे नहीं, तो इसलिए साइड में रख दिए हैं। और यहाँ पे आटा हमारा रेडी हो गया था, तो यहाँ पे रोटी स्टार्ट की है बनाना, मतलब पहली रोटी एकदम जल गई। और यहाँ पे मिट्टी और कोयला साथ में लग रहा था, तो कपड़े से चिमटे को साफ़ कर रहे थे कि ताकि रोटी ना गंदी हो। फिर तभी थोड़ी बहुत, मतलब 2-4 स्टार्टिंग जो थी वो गंदी हो गई थी, और यहाँ पे जो मिट्टी, जो चूल्हे के नीचे जो मिट्टी थी, तो बलुई मिट्टी पड़ी थी, तो जैसे आग जलाए हैं ना, तो वो सब जैसे सूखी हो गई, बलुई जो मिट्टी थी, थोड़ा सा मिट्टी मिली थी तो यहाँ पे सूखी हो गई, तो वो सब मिट्टी निकल रही थी। तो 2-4 जो रोटी थी स्टार्टिंग की, वो थोड़ा सा गंदी गंदी निकली, बाकी साफ़ थी, मतलब सही। और जब और भी बनाएंगे तो आदत पड़ जाएगी यहाँ पे, अभी बहुत सालों से मतलब बनाए नहीं है, क्योंकि घर पे भी जाते हैं मम्मी बनाने नहीं देती, तो वो भी नहीं बनाए, तो यहाँ पे बहुत टाइम बाद हम रोटी सेक रहे हैं आज पहली बार यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में दिक्कत हुई, 2-4 रोटी खड़ी नहीं हो रही थी इसमें, लेकिन फिर बनने लगी। और फिर उसके बाद में जो थोड़ी सी राख, जो मिट्टी लग गई थी, तो उसको हमने कपड़े से पोंछ दिया था, और बाकी बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रोटी हो गई थी, जैसे हम लोग गैस की खाते हैं, गैस की ज़्यादा थोड़ी सी वाइट रहती है, और इनमें थोड़ा सा लालपन आ जाता है, बस इतना अंतर होता है।
बाकी बहुत अच्छा लगा बनाना। और पता बहुत विशेष टाइम भी नहीं लगा, क्योंकि जैसे हम गैस पे बनाते हैं ना तो किचन में खड़े ही रहना है और थोड़ा हमें लगता है और भी काम बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम 4:30 बजे स्टार्टिंग किए थे बनाना और 5:30 बजे हमारा पूरा खाना बन गया। हम नीचे भी पहुँच गए 5:30 पे और बहुत जल्दी लगा हमें। और यहाँ पे ये भी रहा कि ये लोग बैठे भी रहे, बातें भी होती रहीं खुले में और सब कुछ अच्छा भी लगा, तो बहुत अच्छा लगा यार। और यहाँ पे हो गई थी शाम, तो यहाँ पे दिया जलाते हैं गेट पे, तो वही सोना पैर छू रही है। और अंदर भी जलाएं, पहले घर के अंदर जलाए थे, फिर बाद में यहाँ पे बाहर जलाने आते हैं। फिर उसके बाद में दिया जलाने के बाद में सोना को भूख लग गई थी तो खाना दिया, और जो आग थी बची हुई तो वो आंगन में ले आए थे यहाँ पे, और थोड़ी देर बैठ के खाना खिलाया। फिर उसके बाद में घी दोपहर में गर्म किया था, लेकिन मतलब छान नहीं पाए थे बर्तन में, तो वही दिखा रहे थे। तो हमारा जो ये बड़ा सा डब्बा है, इसमें ये स्टोर किया हो रखा है, मतलब बचाया हो रखा है, और वो उस छोटे वाले में खाते हैं उसमें, तो वो डेली जब होता है तो थोड़ा सा ही आज था घी, और यहाँ पे जब ये आते तब ज़्यादा यूज होता, कि वैसे हम लोग थोड़ा मतलब एक लिमिट में ही खाते हैं, ये जब आते हैं इनका कोई वो नहीं रहता कि जितना होता है उतना कम ही रहता है, तभी ये इतना बचा हुआ रखा है। और घी को दुपट्टे में छाने हैं, क्योंकि दुपट्टे का कपड़ा था उसमें छाने, छन्नी से बन नहीं रहा था, इससे यह है जो मैहर जो है इसका वो निकलता नहीं है, तो इसीलिए इसको कपड़े से छानना है। बहुत अच्छा मतलब तरीका है, क्योंकि इसमें छन्नी कितनी भी बारीक हो वो मैं निकल ही जाता था, इसमें निकलता नहीं है। ये जॉर्जेट का कपड़ा है, जॉर्जेट, हाँ जॉर्जेट का ही होगा शायद, पता नहीं यार मतलब, लेकिन फिलहाल इसमें मैं नहीं निकलता, तो बहुत अच्छा ये कपड़ा रहा। और फिर उसके बाद में खाना जब बन गया, छत से सारा अपने जो किचन वाले बर्तन थे उनमें निकाल लिए, सारे बर्तन नल पे डाल दिए। तो यहाँ पे ये भी बर्तन था दोपहर का, मतलब कढ़ाई रखी थी, तो हम सोचे चलो सब एक साथ साफ़ करते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फुटकर में बर्तन धुलो तो मज़ा नहीं आता, एकदम से हो जाते तो ठीक रहता है। और आप लोग सोचते होंगे कि ये किस तरीके से रहती है, मतलब बिल्कुल देहाती टाइप की रहती है, सब कुछ रहन सहन इसका सब कुछ उस तरीके का, तो जी हाँ हमें बिल्कुल इसी तरीके से रहना पसंद है, बिल्कुल गांव में रहें हम, हमेशा से शहर में ही हैं, जब से मतलब हमारी पहली स्टार्टिंग पढ़ाई की हुई है तो हमेशा से हम शहर में ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर कोई भी रंग नहीं चढ़ा है, मतलब हम जैसे हैं हर जगह हम वैसे ही रहेंगे। और फिर उसके बाद में आ गए हैं यहाँ पे बर्तन धुलने, तो यहाँ पे सबसे खुशी की बात क्या है, आज हमने ये जो बाथरूम का है अपना, मतलब जहाँ पे बर्तन धुले, इसलिए शेयर किया क्योंकि आज हमारी रिंग लाइट आई थी, तो उसको हम लोगों ने यूज किया था, और सुबह से कल की आई थी तो उसको सेट ही नहीं कर पाए थे, फिर आकाश ने अभी सेट किया, तो हमने सोचा चलो सबसे पहले ट्राई करते हैं कहाँ पर करते हैं, तो किचन में सॉरी यहाँ जहाँ बर्तन साफ़ कर रहे हैं बाथरूम में, तो यहाँ पर रॉड लगी हुई थी, लेकिन फिर भी उतना बढ़िया उजाला, मतलब वीडियो जब रिकॉर्ड करो तो इतना अच्छा नहीं आता, तो यहाँ पे जब हमने ये सेट किया तो बहुत अच्छा सा उजाला आ रहा था, और बहुत बढ़िया यार लाइट है, उससे पहले हमने कभी यूज़ नहीं किया ना, तो आज पहली बार जब देखे तो बहुत अच्छा इसका उजाला लगा, और फिर यही मन होता कि इतने टाइम से हमने लिया क्यों नहीं इसे, तो बहुत अच्छी मतलब रेट के हिसाब से बहुत अच्छी लाइट।
और बर्तन को खाली कर लिए थे तो सब धुल डालेंगे। और अभी खाना हम लोगों ने खाया नहीं है क्योंकि भी ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्तन हो गए थे, दो चार दोपहर के थे और दो चार अभी चाय पिए थे तो वो थे, और शाम के मिला के सारे इतने सारे बर्तन हो गए थे। तो अभी जब आज पतिदेव आने वाले हैं तो जब आ जाएंगे तब हम लोग शाम को खाना खाएंगे साथ में, फिर उसके बाद में सब सुबह बर्तन धुलेंगे क्योंकि बिटिया छुट्टी है ना, तो रात में बर्तन फिर नहीं धुलते, ये इस टाइम धुल डाले हैं। और तो और आजकल ठंडक का तो ठंडक में मतलब दिन का पता नहीं चलता है कब सुबह हुई और कब शाम हो गई। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय।